तो जो कॉलम पॉपुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर कॉलम उसको हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड या डराइव्ड फील्ड बोलते हैं मतलब उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती उसकी अपनी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरे कॉलम या दूसरे मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ऐसे कॉलम को कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं अमूमन जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है इट इज जनरेटेड ऑन द रन टाइम अमूमन कह रहा हूं तो लेकिन ये scenario, ये स्नैरियो ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द डराइव कॉलम मतलब कैलकुलेटेड कॉलम एट द रन टाइम विच विल टेक मोर टाइम मीन आपको ये कंफर्म है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को रन टाइम पे कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर कॉलम तो अगर ये कंफर्म है आपको अगर मतलब इसका इफ पोर्शन ही है इफ दिस सिनेरियो इज कंफर्म देन दिस सिनेरियो सजेस्ट डोंट डोंट डू द कैलकुलेशन एट रन टाइम रीजन रन टाइम कैलकुलेशन आर ऑलवेज वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम रीजन यू नीड टू रीड द वैल्यू फ्रॉम समर कॉलम टू डू समय इधर एडिशन वट्स उसके बाद आपको एक और एक और कॉलम में अपडेट करना पड़ता है एक और कॉलम एक और में आपको वैल्यू एड करनी पड़ती तो बेसिकली तीन आपके स्टेप हुए अपने किसी एक कॉलम की वैल्यू को रीड करना है। दूसरी

उस वक्त आप कैलकुलेटेड फील्ड को भी पॉपुलेट कर लो साथ में तो जब आपने डाटा को रीड करना है यू शुड नॉट बी डूइंग द कैलकुलेशन यू शुड बी जस्ट रीडिंग द डाटा यानी आप सिर्फ फेच फेच कर रहे हो fetch के अलावा आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो जो बाकी तीन ही स्टेप है रीड करना उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना और फिर अपडेट करना कैलकुलेटेड फील्ड को एक्चुअली ये ये जो स्टेप्स हैं आप इनसे बच जाओगे तो ऑल यू नीड इट कि आपने सिर्फ रन टाइम के ऊपर वो वो कॉलम जिस, जिसको आपने कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर कर दी है द द टाइम टाइम ऑफ ऑफ इंसर्शन मतलब एडिंग आपको सिर्फ वो कॉलम की वैल्यू को रीड करना है so जब हम करेंगे, तो हमने डी हमने स्टेप किया है लेकिन यानी अब आपने ये समझना है कि अगर आपको कन्फर्म है कि कोई कैलकुलेटेड कॉलम मौजूद है या कोई कैलकुलेटेड फील्ड मौजूद है रीजन जो कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं वो अमूमन रिपोर्ट्स पे होती हैं अमूमन जो कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं आर नॉट द पार्ट ऑफ डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर रीजन वो रन टाइम पे ही कैलकुलेट होती हैं रन टाइम पे ही पॉपुलेट होती हैं और रन टाइम पे ही व्यू होते हैं दिस इज इट तो द मोमेंट यू आर यू आर डन विद द व्यू ऑफ द रिपोर्ट तो एक्चुअली डेटाबेस के टेबल का पार्ट नहीं होता यानी इट्स नॉट अ कॉलम बेसिकली तो यानी जो कैलकुलेटेड होते हैं जो कॉलम वो डेटाबेस के टेबल का स्ट्रक्चर अमूमन नहीं होता तो प्रोबेबली यू नीड टू एड एन अदर कॉलम विद द विद नेम ऑफ स्टोरिंग कैलकुलेशन कैलकुलेटेड वैल्यू और फिर आप उस उस डेटा की बेसिस के ऊपर आप रिपोर्टिंग करें तो इसका फायदा ये होगा कि जब आपकी रिपोर्ट खत्म भी हो जाएगी यानी क्लाइंट तो ने डाटा को व्यू भी कर लिया तो डाटा लॉस नहीं होगा एक्चुअली वो एक्चुअली कॉलम में मौजूद होगा जस्ट नीड टू रीड इट तो बेसिकली इट्स आप बेसिकली आपको थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल चेंज करने के बाद आप जो कोडिंग करोगे मतलब मोमेंट विल ट्राई टू ऐड डाटा टू दैट कॉलम तो वो कॉलम में डाटा एक्चुअली ऐड कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर एट द टाइम ऑफ एडिशन ही हो जाएगा rather एट द टाइम ऑफ रीडिंग द डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल